हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीआर टू द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर इंग्लिश अरिहंत वर्कबुक का यूनिट नाइन का चैप्टर टू गोइंग टू बाय अ बुक तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए गोइंग टू बाय अ बुक टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन रीड द एक्सट्रैक्ट गिवेन बिलो एंड एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे जो लाइन दिया गया है उसे पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है we ran home to our grandfather we climbed on his bed he put his arms around us and then we read and read and read ठीक है where did the children go to तो बच्चे कहां जाते हैं to their grandfather अपने grandfather के पास what did they do तो वो क्या करते हैं वे क्या करते हैं तो hmm. climbed on the bed यानी कि बेड के ऊपर वो चढ़ जाते हैं ठीक है वॉट डिड ग्रैंड फादर डू तो ग्रैंड फादर ने ग्रैंड फादर ने क्या किया ही पुट हिज आर्म्स अराउंड द चिल्ड्रेन उन्होंने अपने आर्म पे उन्हें बिठा लिया ठीक है उसके बाद देखिए क्या है कि फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज मूव्ड अप अब देखिए यहाँ पर मूव्ड अप का जो सेम मीनिंग है वो आपको यहाँ पर टिक लगाना है उसमें तो रैन क्लीम्ड और बैड तो क्या होगा क्लीम्ड इसमें हम टिक लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रैन इज अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट बताना है कि रैन का क्या होगा तो रन ठीक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वॉट डिड ग्रैंड फादर गिव एंड टू होम तो ग्रैंड फादर गैव सम मनी टू चिल्ड्रेन तो ग्रैंड फादर ने क्या दिया उनको तो ग्रैंड फादर ने कुछ मनी दिए उनको ठीक है बच्चे को वॉट डिड ग्रैंड फादर वॉन्ट द चिल्ड्रेन टू डू तो ग्रैंड फादर क्या चाहते थे कि बच्चे क्या करे तो टू बाय बुक ठीक है बुक खरीदे हु वेयर हैप्पी एंड वाई इन द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक अब कौन बहुत ज़्यादा खुश हुआ और क्यों खुश हुआ इस स्टोरी में ठीक है गोइंग टू बाय अ बुक जो स्टोरी है इसमें कौन खुश हुआ और क्यों खुश हुआ द चिल्ड्रेन वे आर हैप्पी बिकॉज दे लाइक टू रीड तो बच्चे बहुत ही खुश हुए क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद था ठीक है उसके बाद है फाइव नंबर में कि विथ होम डिड द चिल्ड्रेन गो इन द स्टोरी गोइंग टू बाई अ बुक जस्ट टू ऑफ दै वाई डिड द चिल्ड्रेन गो देअर टू बाई अ बुक वाई डिड द चिल्ड्रेन डिसाइड टू गो टू द स्मॉल सॉप बिकॉज स्मॉल बिकॉज स्मॉल स्टोर इवन हैज मैनी बुक्स बच्चों ने क्यों डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल शॉप में जाए ठीक है तो उन्होंने क्यों डिसाइड किया क्योंकि स्मॉल स्टोर जो होते हैं ना जो शॉप होते हैं उसमें बहुत तरह के बुक्स मिलते हैं ठीक है उसके बाद है एट नंबर में कि हाउ डीड द मैन इन द स्मॉल बुक शॉप हेल्प द चिल्ड्रेन तो जो स्मॉल बुक शॉप में जो वो इंसान था उन्होंने किस तरह से बच्चों का हेल्प किया बाय टेलिंग दैम द टाइप्स ऑफ बुक्स तो उन्होंने उसे बुक्स के बारे में बता के उनका हेल्प किया ठीक है yeah. इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच बुक डिड द गर्ल बाय एंड बाय एंड वाई तो कौन सा बुक गर्ल ने खरीदा और क्यों तो गर्ल बाय अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज बिकॉज सी लाइक स्टोरी बुक क्योंकि uh, जो गर्ल्स ने जो गर्ल ने ख़रीदा तो वो उसने कैसा बुक खरीदा एक मोटा सा बुक खरीदा क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ थे और स्टोरीज जो है ना वो उन्हें बहुत पसंद था ठीक है जो गर्ल थी ना उन्हें उसे बहुत पसंद था उसके बाद है टेंथ नंबर में कि विच बुक डिड द बॉय डिसाइड टू बाय एंड वाई अब बॉय ने कौन सा बुक खरीदने का डिसाइड किया और क्यों द बॉय डिसाइड टू बाई अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स बिकॉज ही लाइक बुक्स विथ मैनी पिक्चर्स तो देखिए उसने कौन सा डिसाइड किया तो उन्होंने बिग बुक खरीदने का डिसाइड किया जिसमें कि बहुत सारे पिक्चर्स हो ठीक है क्योंकि पिक्चर्स बहुत पसंद था उसे ठीक है पिक्चर्स वाले जो बुक हैं वो उसे बहुत पसंद था हाउ डर द ग्रेंड फादर ट्रीड द चिल्ड्रेन अब ग्रैंडफादर ने चिल्ड्रेन को कैसे ट्रीट किया तो ग्रैंडफादर ट्रीट द चिल्ड्रेन बाय गिविंग देम सम टू बाय अ बुक फॉर देम तो देखिए इसमें क्या होगा कि ग्रैंडफादर ट्रीट द चिल्ड्रेन बाय गिविंग देम सम मनी यहाँ पे होगा मनी सम मनी टू बाय अ बुक फॉर देम ठीक है कि उन्होंने उसे कुछ पैसे देके ट्रीट किया ठीक है इसके बाद है आपका कि हाउ डिड द हाउ डेर द चिल्ड्रेन चूज द बुक्स दे वॉन्टिड टू बाय अब किस तरह से बच्चों ने आ, बुक्स खरीदना चूज किया किस तरह से तो देखिए द मैन इन द शॉप हेल्प दैम दे बोथ रीड रीड द बुक्स फॉर टू आवर्स आफ्टर दैट द चूज द बुक्स उसके बाद देखिए किस तरह से उन्होंने चूज़ किया तो जो उस शॉप का जो शॉप में जो मैन था ना जो इंसान था उन्होंने उसका हेल्प किया उन्होंने बुक्स के बारे में बताया और उन्होंने कम से कम जो है ना टू आवर उसे पढ़ा उसके बाद ही उन्होंने चूज़ किया कि कौन सा बुक ख़रीदना है उन्हें ठीक है लैंग्वेज बेस्ट क्वेश्चन चूज़ द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स अब देखिए इसमें जो सही है वो आपको लिखना है ठीक है The children were very happy. They decided to go to a small shop. The book shop was very quiet as there was no sound. The girl bought a fat book with many stories. The boy bought a big book with many pictures. Okay? Complete the sentences by using the determiners given in the box. ठीक है अब देखिए इसमें आपको फिल करना है वन डे ग्रैंड फादर गेव द चिल्ड्रेन सम मनी बोथ द चिल्ड्रेन वे आर वेरी हैप्पी बोथ ऑफ दैम लवड टू रीड जस्ट द टू ऑफ दैम वैन टू द बुक्सॉप द बुक्स ऑफ हैड मैनी बुक्स दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स सेट द मैन इन द शॉप ठीक है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस ठीक है करेक्ट प्रीपोजि करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ में आपको इसे फिल करना है ठीक है द चिल्ड्रेन लव टू रीड द मैन इन द सॉफ हेल्प द चिल्ड्रन द मैन इज स्माइल्ड एट दम द चिल्ड्रेन पिक समुक्स एंड सेट ऑन द फ्लोर दे कैम होम एंड क्लीम्ड ऑन देअर ग्रैंड फादर्स बैड ठीक है तो आपका वर्कबुक कम्प्लीट हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो